जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे कहां? समरकंद को जिसका खतरा है वो है शैबानी खान। शैबानी खान की दुश्मनी उस हद से शुरू होती है जहां बाकी सबकी खत्म हो जाती है। समरकंद शैबानी खान के हवाले कर देंगे तो आप कहां जाएं? सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और अजय देवगन पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, आज से पहले ये दोनों सुपरस्टार कभी किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द ऐसा होने वाला है जब ये दोनों मेगा सुपरस्टार एक साथ फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। और ये फिल्म एक हिस्टोरिकल पीरियोडिक वॉर ड्रामा होने वाली है जो कि मुगल एम्पायर के किंग बाबर की लाइफ में बेस्ड होगी। जी हाँ, ये फिल्म एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म होने वाली है, इसलिए अभी तक इस फिल्म का शूट भी शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल इस फिल्म में लेकर पिछले कई सालों से खबरें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक किसी को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं अभी हाल ही में कुछ इनसाइड सोर्सेज से ये खबर सामने आ रही है कि अब बहुत जल्द इस फिल्म पर काम शुरू होने वाला है। फिल्म की डायरेक्शन फाइनल हो गई है और इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर भी काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द मेकर्स फिल्म की कास्टिंग फाइनल करने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि फिल्म बाबर का रोल में शाहरुख खान नजर आएंगे और या फिर अजय देवगन। वेल, इसी के साथ बात करें फिल्म की डायरेक्शन की, तो दोस्तों बाबर द मुगल एम्परर मूवी को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर कबीर खान डायरेक्ट करने वाले हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान, जिसको रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जाएगा। इसी के साथ बात करें फिल्म बाबर द मुगल एम्परर के बारे में, तो दोस्तों फिल्म में हमें मुगल एम्पायर के किंग बाबर की ही लाइफ के बारे में दिखाया जाएगा, जिनमें की लाइफ में कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बताने जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है शाहरुख खान और अजय देवगन में से कौन सा कलाकार फिल्म में बाबर का रोल निभाने वाला है। वही फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली अभिनेत्री का नाम भी रिवील हो चुका है। बताया जा रहा है कि फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड की नहीं बल्कि साउथ की अभिनेत्री ज्योतिका फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी। वही कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का शूट अगले साल यानी 2024 के एंड तक शुरू हो सकता है और ये फिल्म हमें 2026 तक बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप सभी बाबर मूवी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी ऐसी मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।